हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज फिर मैं बात करूंगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में, यानी BPCL के बारे में। आखिर इस शेयर में हुआ क्या है कि अचानक इतनी तेज़ी से भाग रहा है? रोज़ाना प्रति शेयर 5-10 रुपये की कमाई करके दे रहा है। जो इंटरडे में काम कर रहे होंगे उसको भी बहुत मोटा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने वजह इसकी पिछले वीडियो में बताई थी। पहली कि क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो चुका है, इस कारण कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा, इसका भी शेयर के ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन दूसरी एक और न्यूज़ निकल कर आई है इस शेयर से रिलेटेड, वो ये है कि इन्होंने अपनी एक बोर्ड मीटिंग फिक्स की है और उस मीटिंग में ये डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं। वो क्या तारीख है, किस तारीख में मीटिंग होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मीटिंग होने वाली है 29 नवंबर 2023 को, ये एक्शन डेट है 29 नवंबर की। होगा क्या, कंपनी देने वाली है अपने शेयर होल्डर को अंतरिम डिविडेंड, अपने शेयर होल्डरों कंपनी अंतरिम डिविडेंड बांटने वाली है। यही कारण है कि शेयर के अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए, इस कारण से ये दो तीन कारण आपको देखने को मिल रहे हैं। बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है, क्रूड ऑयल की कीमतें भी कम हुई हैं और साथ ही साथ के डिविडेंड भी बांटने वाली हैं। अभी इन्होंने ये अनाउंस नहीं है कि नहीं क्या है कि किस तारीख को ये डिविडेंड बांटेंगे और कितना बांटेंगे। अब हमें शेयर के अंदर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो देखिए, 29 तारीख को ये मीटिंग होगी और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इन्होंने किस तारीख को डिविडेंड बांटना है और कितना प्रति शेयर का डिविडेंड देने वाले हैं। अगर ये अपना बड़ा डिविडेंड अनाउंस करते हैं, जब 15-20 रुपये का कोई डिविडेंड होता है, इस तरीके से कोई बड़ा डिविडेंड देते हैं, तो इस शेयर के अंदर भी और बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसके अंदर 2-4 रुपये का डिविडेंड मिलता है, तो इस शेयर में हो सकता है गिरावट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट कमा चुके हैं और वो अपने यहाँ से होल्डिंग काटेंगे। मानना मेरा ये है, मैं अपनी बात करूँ तो देखिए, मैंने भी इसमें कई बार कोशिश की कि मैं इसमें खरीदारी करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया खरीदारी, क्योंकि ये अपने 52वीं खाई से भी ऊपर जा चुका है और इसके अंदर बहुत अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल चुकी है। ये तकरीबन 300 रुपये से भागना शुरू हुआ था और 100 रुपये प्रति शेयर की इसने कमाई करके अपने इन्वेस्टरों को दे दी है, तो इसके अंदर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद सोच समझ कर और अपनी रिसर्च करके ज़रूर करें, खूब अपनी तसल्ली कर लें। हो सकता है कि आने वाले 2-4-6 दिन के अंदर इसके अंदर और थोड़ी बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, लेकिन वही मैंने आपको बताया, डिविडेंड छोटा मोटा होता है तो 1-2 दिन के बाद बढ़ोतरी तो होगी, उसके साथ गिरावट भी चालू हो सकती है इसके अंदर। तो दोस्तों, आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है, मुझे काम करने में मजा आता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।